हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे और आज हम बात करेंगे गर्मियों में होने वाली उल्टी दस्त जो आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। गर्मियाँ आने के साथ साथ उल्टी दस्त, पेचिस होना, उसके साथ साथ फूड पॉइजनिंग, लू लगना, हैजा होना, हीट स्ट्रोक की परेशानियाँ होना, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। आजकल जो है डायरिया की परेशानी और उल्टी दस्त की दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई हैं। इसके साथ साथ हवा में जो है बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ होने की वजह से आई इन्फेक्शन होना, थ्रोट इन्फेक्शन होना, ऐसी दिक्कतें भी हो रही हैं। तो आपको किस तरीके से इससे बचना है और किस तरीके से अपना इलाज लेना है, प्रिवेंशन क्या लेनी चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाना या फिर गैस्ट्रोएंटेराइटिस की परेशानी हो जाना, गर्मियों में ये चीज़ें कॉमन हो जाती है। बिकॉज क्या है, इस टाइम पर हम अपने खान पान पर ध्यान नहीं दे पाते तो वो इसका कारण ज़्यादा होता है। दूसरा, दूषित पानी जो है वो भी इसका बहुत बड़ा कारण होता है। कई बार क्या होता है कि हम गर्मियों में हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो अगर हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर जो है कोई भी किसी भी प्रकार का अगर पानी मिल जाता है, हैंडपम्प का, कुएं का, या फिर कहीं भी जैसे ग्लास में, किसी भी ग्लास में पानी पी लेना, अगर ऐसा होता है और वहाँ पे बाई चांस वो गंदा पानी हुआ तो उससे आपको इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसके बाद फूड पॉइजनिंग होना, डायरिया लगना, डिसेंट्री होना, ऐसी परेशानियाँ हो जाती हैं। इसी प्रकार से अगर बाहर का कुछ गंदा खा लिया आपने, या फिर कटे हुए फल जो बिकते हैं बाजारों में, पपीता हो गया, खीरे हो गए, और जो खुले जो फल मिलते हैं कटे हुए, उनको खाने से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, फूड पॉइजनिंग की दिक्कत हो सकती है। खाने पीने में काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए गर्मियों में। आपको तला भुना ज़्यादा नहीं खाना है, बाहर की चीज़ें जहाँ तक है अवॉइड करें, साफ़ सुथरे पानी पिए, साफ पानी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूषित पानी पिएंगे या अपने बच्चों को पिलाएंगे तो ये इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। डायरिया जो होता है 3 टाइप्स का होता है, एक तो बैक्टीरियल डायरिया, वायरल डायरिया और प्रोटोजोअल डायरिया। वायरल डायरिया ज़्यादातर बच्चों में पाया जाता है, जिसमें कि बच्चों में जो है बार बार लैट्रिन हो जाती है, पतली पॉटी होती है बार बार, और उसके साथ साथ वॉमिटिंग होना और माइल्ड फीवर की दिक्कतें हो सकती हैं। बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोअल डायरिया में ज़्यादा फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, बार बार पॉटी आती है बच्चों को, और इसमें जो है पॉटी में पस और ब्लड आने की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये अगर ब्लड आ रहा है, पस फॉर्मेशन हो रहा है और पस आ रहा है पॉटी में, तो ये प्रोटोजोअल या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके लिए स्टूल टेस्ट कराया जाता है बच्चों का, तो उसमें पता चल जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई भी इन्फेक्शन हो गया, जैसे इस्टीरिया कोलाई इन्फेक्शन, पेचिस बैसिलस इन्फेक्शन, साल्मोनेला इन्फेक्शन, नोरा वायरस इन्फेक्शन, रूटा वायरस इन्फेक्शन, ऐसे इन्फेक्शन हो जाने की वजह से भी बच्चों को डायरिया की परेशानी होना या डिसेंट्री या वॉमिटिंग की परेशानियाँ हो जाती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि आपके अगर छोटे बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों के लिए खाना अगर बना रहे हैं तो हाथ धोकर अच्छे से, और सब्जियों को अच्छे से धोकर, खाने पीने की चीज़ों को अच्छे से साफ करके उसका यूज़ करें और बच्चों को दें। अगर बच्चे आपके बाहर स्कूल जाते हैं तो हैंड वॉश प्रैक्टिस कराएं, उसको हैंड वॉश के बारे में बताएं कि कोई भी चीज छूने के बाद या कुछ भी यूज़ करने के बाद हाथ धोकर ही बच्चा खाना खाए। आप भी अगर अपने बच्चों के लिए खाना बना रही हैं तो अपने हाथ धोकर ही बच्चों का खाना बनाएं। साफ सफाई का बहुत खास ध्यान रखें। गर्मियाँ आने के साथ साथ बच्चों को ध्यान बताएं कि बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी है, जैसे तली भुनी चीज़ें, पकौड़ियाँ, चाट, ऐसी चीज़ें जो ठेलों में मिलती हैं उन चीज़ों को अवॉइड करें, स्ट्रीट फूड को। उसके साथ साथ जो कटे हुए फल मिलते हैं या फिर खुली चीज़ें जो मिलती है जहाँ पर मक्खियाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ वो चीज़ें खाने से बचें। मक्खियाँ भी इन्फेक्शन को फैलाने में पूरा रोल निभाती हैं। जहाँ पे खुला खाना मिलता है, खुली चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर अगर मक्खियाँ बैठ रही हैं तो यहाँ से वहाँ दूसरे जगहों पे जो है बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैलाती है, वायरल इन्फेक्शन फैलाती है, तो जिससे कि फूड पॉइजनिंग के केसेस बढ़ सकते हैं। तो खाने पीने का ध्यान रखें। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग, डायरिया, ऐसी चीज़ें हो गई हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, वहाँ पर एक तो आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। पानी में आप नींबू पानी ले सकते हैं, पुदीना, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। पुदीना हो गया और नींबू पानी हो गया, ऐसी चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें जो कि आपकी तबीयत को जो है ठीक कर सके और आपकी वॉमिटिंग, डायरिया को कंट्रोल कर सके। पानी पीने के लिए कई लोग जो है पानी पीना पसंद नहीं करते हैं या कम पीते हैं, तो उनके लिए अलग अलग टाइप से पानी पी सकते हैं। नारियल पानी हो गया, ग्लूकोज मिलाकर हो गया। अगर किसी को फूड पॉइजनिंग या फिर डायरिया हो गया तो उनको टाइम टू टाइम ORS घोल लेता रहना चाहिए। जिंक लें, ORS घोल लें, जिंक की टैबलेट्स आती है वो भी लेनी चाहिए, जिससे कि बॉडी में जिंक की कमी ना हो सके ड्यूरिंग डायरिया। डायरिया जो होता है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक तो माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर।
अगर माइल्ड होता है तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, अगर आप उसे घर में ही आप जो है खाना पीना साफ सुथरा लें या अपनी डाइट एंड रेजिमेंट कर लें तो उसके साथ जो है आप रिकवर हो सकते हैं। मॉडरेट कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को जो है ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, कमजोरी आने लग जाती है, तो उसके लिए आपको मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है, तो उस मेडिसिन से आप कंट्रोल कर सकते हैं आप लोगों को। सीवियर कंडीशन में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, होंठ सूख जाना, चक्कर आना, पेशेंट को बेहोशी हो सकती है, इतनी ज़्यादा कमजोरी है, डिहाइड्रेशन हो जाता है कि पेशेंट जो है मूर्छित हो सकता है, बेहोश हो सकता है, ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो सकता है, तो उसमें क्या है पेशेंट को एडमिट करने की दिक्कत ज़रूरत पड़ जाती है और वहाँ पर उसको ग्लूकोज चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हम पेशेंट को जो है मैनेजमेंट रखते हैं जिससे कि पेशेंट को रिकवर किया जा सके। होम्योपैथिक मेडिसिन इसके लिए बेस्ट मेडिसिन हैं। अगर पेशेंट को लूज मोशंस लगे हैं और जो है पेचिस लगी है, डिसेंट्री हो रही है, तो वहाँ पर एलोज बहुत अच्छा काम करती है। एलोज 30 अगर बच्चे हैं तो एलोज 30 आप दे सकते हैं, और अगर बड़े हैं तो एलोज 200 को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नक्स वोमिका भी इसमें बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर पेशेंट को लूज मोशन लगे हैं, पेट में दर्द हो रहा है और नींद नहीं आ रही है, बेचैनी हो रही है, तो वहाँ पर नक्स वोमिका बहुत अच्छा काम करती है। आर्सेनिक एल्गम 30 फूड पॉइजनिंग के केस में बहुत अच्छा वर्क करती है। आर्सेनिक एल्गम 30 का जो पेशेंट होगा वो बेचैन रहेगा, उसको घबराहट होगी बहुत ज़्यादा, बाहर अगर उसने कुछ खा लिया उसकी वजह से उसको लूज मोशंस लग गए, पेट में दर्द हो रहा है, पल्स बहुत ज़्यादा फीवर हो रही है, तो वहाँ पर आर्सेनिक एल्गम 30 या 200 बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा पोडोफाइलम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है डायरिया एंड लूज मोशंस के लिए, वॉमिटिंग के लिए। इपीकैक भी बहुत अच्छी दवाई है, इपीकैक 30 हम बच्चों को दे सकते हैं, अगर बच्चे को फीवर हो रहा है उसके साथ साथ वॉमिटिंग एंड डायरिया हो रहा है तो वहाँ पर अच्छा काम करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी लॉट्स ऑफ मेडिसिन हैं होम्योपैथी में जो कि हम इस कंडीशन में दे सकते हैं, पर बिना चिकित्सा के, जो बिना चिकित्सक के सुझाव के बिना आप कोई भी दवाई यूज़ ना करें, डॉक्टर की परामर्श के बाद ही इन दवाइयों का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑल ऑफ यू।